हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में टोटल 10 कंपनी जो है ऊपर आती है। उन टॉप 10 कंपनीज में से मैं आपको टोटल 7 कंपनीज बताने वाला हूं जो आपको मल्टी वेगा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। सभी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस का। डेली चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि एक कैंडल जो है आपकी एक दिन की कैंडल रहने वाली है। तो डेली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। 919.9 पर अभी चल रहा है स्टॉक, और अगर आज के सेशन में देखें तो आज के सेशन में भी इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। लेकिन इस स्टॉक का अगर मैं आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके बताऊं तो आप देखिएगा, इसका एक सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 907 रुपए के आसपास में, और अभी 919 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद अगर स्टॉक नीचे अगर इसके जाता है तो 854 का एक मेजर इसका सपोर्ट आएगा, वो आएगा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोगों को SBI लाइफ इंश्योरेंस में क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और 907 के आसपास आ जाए तो एंट्री कर सकते हैं। और जो 907 पर एंट्री करेंगे उनके लिए टारगेट जो रहेगा वो हमारा 926 के आसपास में रहने वाला है। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, इन लेवल्स पर 907 पर आए तो वहां पर वो ज्यादा क्वांटिटी ऐड कीजिए, और 854 पर आए तो वहां से क्वांटिटी ऐड कीजिए, क्योंकि 854 से पहले पहले ये स्टॉक बहुत बड़ा बाउंस बैक दे देगा। और 964 के ऊपर चला गया ये स्टॉक तो उसके बाद ये स्टॉक बहुत बड़ा बाउंस बैक देने के लिए रेडी है। और 964 के ऊपर जाएगा उसके बाद भी ये स्टॉक, मैं आपको बता देता हूं, ये जो है इसका एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा ये वाला 1014 का। तो यहां से अब आपके पास चांसेस है कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर एंट्री कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न SBI लाइफ इंश्योरेंस में गेन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल है बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में ये लेवल्स नोट डाउन करके रख लीजिएगा और अपने वॉच लिस्ट में डालकर रख लीजिएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस इन लेवल्स पर आपको मिलता है तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस आज जो है 10 के EMA के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आज के दिन में अगर 573.87 है तो 574 रुपए के ऊपर आज के दिन के अंदर, लास्ट आप देखिएगा 325 पे, वहां पर अगर क्लोजिंग दे देता है तो इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। लेकिन ये स्टॉक वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा 588। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 540 का लेवल भी इस स्टॉक में अगर आ जाए तो बहुत शानदार वो लेवल होगा, लेकिन उससे पहले एक सपोर्ट बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं और अच्छी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए HDFC लाइफ में 556 रुपए का जो लेवल है, यानी कि 560 के आसपास जैसे ही स्टॉक आ जाए आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में, और अभी भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सपोज 4 शेयर की SIP बाय कर रहे हैं आप तो अभी 5 से 6 शेयर अभी बाय करके रख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के। और स्विंग ट्रेडर भी इन लेवल्स पर, ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही बाय करेंगे, स्विंग ट्रेडर भी इस लेवल का यूज कर सकते हैं। 556 पे बाय करें और जैसे ही 10 EMA के यहाँ पर आए 573 के आसपास में, वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 588 का टारगेट आ रहा है 590 के आसपास में, तो वहां पर भी आप लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। और अभी तक मैंने दोनों स्टॉक बताए, SBI लाइफ और HDFC लाइफ, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे स्टॉक है, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा श्री सीमेंट का। ये बहुत जल्दी निफ्टी 50 में आने वाला है, अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेड कर रहा है। और श्री सीमेंट में अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप लोग इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप पर्पल कलर की लाइन देखिए, एक महीने का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। आज अगर इसके नीचे ही अगर क्लोजिंग देता है ये स्टॉक
तो फिर इस स्टॉक का मैक्सिमम चांसेस है कि गिरावट होगी, तो श्री सीमेंट को अभी आप लोग अवॉइड कीजिएगा। अच्छी कंपनी है, आपको इस प्राइस से अभी जहाँ चल रही है ये कंपनी 23,845, तो अगर इस लेवल के ऊपर ये कंपनी जाती है तो फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाएगी और 24,000 के लेवल के आसपास आ सकती है। लेकिन अभी मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि श्री सीमेंट को आप अवॉइड कीजिएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स भी अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे ही निफ्टी 50 में आएगा, इसमें एक बाउंस बैक भी अच्छा आने वाला है, तो अभी के टाइम पर आप क्या कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर इंडिया का। ये सारे स्टॉक्स में केवल निफ्टी नेक्स्ट 50 के ही बता रहा हूं आपको। डाबर इंडिया में देखिए, अभी एक अच्छा मूवमेंट देने की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। 10 के EMA के ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं दी है इसने, तो अभी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे 505.31 यानी 506 का लेवल लेके चलिए, 506 के ऊपर क्लोजिंग ना दे डाबर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपके पास ये 499 का एक बेस्ट लेवल है एंट्री करने के लिए, और यहां से आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ और इन्वेस्टर्स के लिए ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका नजरिया 3 से 4 साल का होता है, तो उस सिचुएशन में तो ये स्टॉक अपने हाई से भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट टर्म में आज खरीदा और कल ही रिटर्न बना कर दे दिया, तो अगर इस लेवल का वेट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन में ही ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो आप लोग ये एक 506 का लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा कि डाबर इंडिया इसके ऊपर आता है तो हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन उसके बाद एक इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 510 का, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो अभी एंट्री कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप लोग 510 के लेवल का वेट कीजिएगा, उसके ऊपर जाए तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उसके बाद भी इसका एक मेजर रेजिस्टेंस और आ रहा है 518 का, तो ये लेवल्स हैं, इनके बीच बीच में जब जब इन लेवल्स पर आ जाए आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है डाबर इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। अगर इसका अगर मैं देखूं तो आज का जो लो बनाया है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ये स्टॉक, तो आप देखिएगा यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है 1286 का, और अभी 1291 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये अगर देखेंगे अपने 6 महीने के लो, 6 महीने के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, और ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा तो 1241 तक जाएगा। तो अब आपके पास ICICI लोम्बार्ड में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो लेवल्स जो है आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, एक तो लेवल जो है 1286-87 है, तो 1290 के आसपास में ही आप अभी से इस स्टॉक में एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बाई चांस और करेक्शन आ जाता है स्टॉक में तो 1241 का आपका लेवल जो है सबसे बेस्ट रहेगा एंट्री करने के लिए ICICI जनरल लोम्बार्ड इंश्योरेंस में। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीमार्ट का, अवेन्यू सुपरमार्ट का। अवेन्यू सुपरमार्ट की अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में ये 10 के EMA के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका एक माइनर सा सपोर्ट देखो तो मैं आपको बताता हूँ ये सपोर्ट बन रहा है। अगर आज के सेशन में यहाँ पर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाए, ये लेवल है 2330 का, यहाँ पर सस्टेन कर जाए और फिर ऊपर क्लोजिंग दे दे 2380 के आसपास में, तो ये स्टॉक वापस से एक अच्छा बाउंस बैक आपको दे सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक के पास कोई चांस नहीं है, स्टॉक को नीचे गिरना ही पड़ेगा और 2180 यानी कि 2200 रुपए के लेवल के आसपास आ सकता है। तो डीमार्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा अभी, अगर करते हैं तो SIP मोड में ही बाय कीजिएगा और एक एक शेयर करके बाय कीजिएगा। तो ये लेवल्स भी आप डीमार्ट के नोट डाउन करके रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को देखें तो अभी बिल्कुल एक तरीके से देखें, ये कैंडल जो देखिए आज की कैंडल है और वॉल्यूम थोड़ा सा अगर देखे तो आज खरीदारी हो रही है और आज के सेशन में ऊपर बढ़ा है स्टॉक। लेकिन इसका वापस से एक रेजिस्टेंस आ रहा है 10 का EMA, और अगर इसका मैं एक
रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूं तो यही इसकी 10 के ईएमए के जस्ट ऊपर देखूं तो 1576 का इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि अगर इसमें एंट्री करना है तो 1576 से ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस यानी कि आज के दिन में 1576 है तो 77 या 78 का क्लोजिंग देगा, उसके बाद हम कंफर्मेशन कर लेंगे और नेक्स्ट डे वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक ग्रीन में ओपन होता है तो तब जाकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में हम एंट्री करेंगे। तो इस तरीके की साइकोलॉजी आपकी रहनी चाहिए। ये सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और सारे के सारे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है, और ऐसा नहीं कि सातों के सातों स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन बना दे। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो तो उनमें से आप लोग जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी 2 या 3 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।